अटकने और हकलाने का परमानेंट इलाज मिल चुका है। यस, अटकने और हकलाने का परमानेंट इलाज मिल चुका है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हुआ तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट और लोगों को हेल्प हो सके इन वीडियोस से। आज का सेशन रहेगा जो अभी मैंने आपको एक बात बोली है, अटकना और हकलाना परमानेंट एक इलाज मिल चुका है इसका। वो सभी के माइंड में अब एक बात आई, वो परमानेंट इलाज, परमानेंट इलाज यानी कि हमेशा के लिए मैं बिल्कुल ठीक। यस, अटकना परमानेंटली ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा परमानेंटली, मेरी गारंटी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको फॉलो करोगे तब। ऐसे नहीं कि हवा में बोला और मैंने हवा में ही कर लिया और इम्प्लीमेंट और कुछ हुआ हुआ है नहीं सर, ऐसा नहीं। पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरी अपने एफर्ट्स के साथ जब आप इम्प्लीमेंट करोगे इन चीजों को, तो आपको 101% रिजल्ट आपके ऊपर ही दिखेगा। रिजल्ट ना मैंने दिखाना ना किसी और ने दिखाना, जो अटक रहा है उसको अपने ऊपर ही फील हो जाएगा, भैया मैं ठीक हो चुका हूं। ठीक है ना, अब उसका इलाज क्या है सबके माइंड में आ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं दिमाग में, कौन सा इलाज है साहिल सर के पास, कौन सा इलाज आ गया है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इतने सालों से नहीं पता लगी, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, एक्साइटेड हो रहा हूँ और मुझे नहीं पता लगी अभी तक। वो है आपका आईना। आईना मतलब योर मिरर इमेज। अपने आप को ना बस एक बार शीशे के सामने देखा कीजिए रोज, अपने आप को शीशे के सामने देखा कीजिए, और जो बात मैं सुबह से लेके शाम तक मैंने एक्टिविटीज की हैं एक बार उस शीशे को भी समझा दीजिए करिए। अब इसका मतलब क्या है, जो काम मैं सुबह से लेके रात तक कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आज मैं सुबह इतने बजे उठा, फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैं वॉक पे गया, फिर मैंने स्कूल गया, कॉलेज गया, या फिर मैंने लंच किया, फिर उसके बाद मैंने अपना इवनिंग में स्नैक्स वगैरह खाए, उसके बाद मैंने रात को सो गया, फिर मैंने अब ये काम किया। बस जो भी आपने किया हो, एक बार अपनी बात सामने वाले को, अपने आप को, बस सामने वाला आप ही हो, शीशे के सामने जाओ, खुद को देखो कि मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूं। बस जिस दिन आपने अपने आप को बोलते हुए समझ लिया ना, देखना नहीं है बोलते हुए समझ लिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। शीशे के सामने जिस दिन मैंने अपने आप को बोलते हुए समझ लिया, मतलब मैं किस वे में बोल रहा हूं, मेरी क्या गलती हो रही है और मुझे क्या ठीक करना चाहिए, ये तीन बातों को अगर आपको जवाब मिल गया ना खुद से, तो परमानेंटली आप अभी से अटकना और हकलाना खत्म कर जाओगे बिल्कुल। लोग कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातों से लोगों को 101% लोगों ने फायदा उठा चुके हैं। अब हर बंदा अपना फीडबैक वीडियो नहीं भेजता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फीडबैक वीडियो साहिल सर ने कोई अपलोड नहीं किया, ऑलरेडी बहुत सारे हैं, 100-200 वीडियो आपको मिल जाएंगे फीडबैक्स के। लेकिन कई लोग होते कि हम सर अपनी प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहते, तो मैं भी उनके सपोर्ट करता हूं, भैया मेरे लिए फीडबैक वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी बातों से आपको फायदा हुआ ना, फायदा हो रहा है तो वो मेरा फीडबैक वीडियो ही है, चाहे आप मुझे भेजो या ना भेजो, आप सही होने चाहिए। मेरा अल्टीमेट गोल है यू शुड बी परफेक्टली स्पीकिंग, यू यू शुड बी परफेक्ट वाइल स्पीकिंग, आपकी स्पीकिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई फ्लो में खराबी नहीं होनी चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, स्पीड का कंट्रोल नहीं है। जब हमारा गाड़ी चलाते वक्त अगर स्पीड का कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, और वही एक्सीडेंट हमारे अक्षरों को हम कर रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या तो शुरू में ही लगा दी ब्रेक, मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा हूँ शुरू में ही लगा दी ब्रेक, अब ब्रेक लगाऊंगा तो स्पीड हल्की हल्की भी नहीं जाएगी, ब्लॉकेज अगर शुरू में आ गई, पॉजिज अगर शुरू में आ गए, तो तुम कैसे बोल पाओगे, इस बातों को समझो। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, स्पीड को नॉर्मल करो, जो मैंने एक्टिविटी अभी आपको बताया ना, परमानेंट शीशे के सामने रोज ये वाला काम करना 1 हफ्ता, जब आप ये काम करोगे ना इससे आपको स्पीड का पता लग जाएगा, मुझे किस वे में बोलना है किस वे में नहीं बोलना, बोलना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन किस वे में नहीं बोलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वही तो आपकी गलती है। जब आप अपनी गलती को पकड़ लोगे और उसको दिमाग से डिलीट कर दोगे, उस दिन से आप परमानेंटली क्योर हो। अपना स्पीड का ध्यान रखिए, खुद का वीडियो बनाइए, खुद को एक शीशे के सामने जाके देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं लेकिन मेरी स्पीकिंग उतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ठीक करके रहूंगा। बस उस दिन से ही आपके अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। लोग अभी भी बोल रहे हैं, बाद में भी बोलेंगे आपको कि भैया तू इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। या अगर कोई इंसान अगर आज की डेट में अटक रहा है ना, उसको ये बोल रहे हो, अरे ये तो देख, ये देखो रुक रुक के बोल रहा, देखो टक टक के बोल रहा, वो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। या खुद को भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, खुद को भी हेजिटेशन आ गई, नेगेटिविटी आ गई, वो क्यों? क्योंकि हम मौका दे रहे हैं उनको बोलने का। तुम अपने आप को सही कर लो ना, वो वहां मौका दोगे ना सही होके, वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनसे ऊपर रहेगा। इस बात को याद रखना। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही ना, मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे मिलेगा। मैं आपके लिए हूं यूट्यूब पे और आपको ही सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। आपको फायदा हुआ तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।